हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोलर श्रृंगार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ हिमालय के दो शैम्पू के बारे में बात करूंगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ जेंटल बेबी शैम्पू वर्सेस जेंटल डेली केयर प्रोटीन शैम्पू। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट्स हिमालय के ही हैं और हम लोग बात करेंगे कि ये दोनों किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं और दोनों की क्या विशेषताएं हैं और दोनों किस तरह से एक जैसा है या फिर किस तरह से अलग है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ हिमालय के जेंटल बेबी शैम्पू का। यह जो शैम्पू है यह फ्री फ्रॉम पाराबेंस है, SLS एंड SLES सिंथेटिक कलर्स, यानी इसमें सिंथेटिक कलर्स वगैरह नहीं है और यह पाराबेन फ्री है और नो टीयर्स है। यह हिबिस्कस और चिकपी से मिलकर बना हुआ है। यह जेंटल और सेफ है रिसर्च के अनुसार। और इसकी जो क्वांटिटी है वह है 400 ml की, और ये वाला जो पैकेट है ये भी 400 ml का ही है। और इसकी प्राइस है 300 rupees और इसकी सेल्फ लाइफ है 3 years की। तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है हिमालय जेंटल बेबी शैम्पू इज अ स्पेशली फॉर्मुलेटेड माइल्ड शैम्पू दैट जेंटली क्लींसेस देयर द हेयर, मेकिंग इट सॉफ्ट, शाइनी एंड इजी टू मैनेज। इसमें हिबिस्कस, चिकपी और खसखस मिला हुआ है। तो यह खासकर छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं एक बात ये भी बोलना चाहूंगी कि यह छोटे बच्चों की शैम्पू तो है ही, बेबी शैम्पू तो है ही, लेकिन इसे बड़े लोग भी लगा सकते हैं। अगर आप पाराबीन फ्री शैम्पू खोज रहे हैं या हर्बल प्रोडक्ट खोज रहे हैं और नो केमिकल वाले शैम्पू खोज रहे हैं, तो आप इस शैम्पू का यूज अपने बालों के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं तो भी आप एक बार इसे लगाकर देख सकते हैं। यह काफी अच्छा शैम्पू है और यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह दिए हुए हैं और यहाँ पर लिखा है कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। और यहाँ पर लिखा है कि इसे आप वेट हेयर में अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपको जरूरत हो फिर तो आप इसे दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं अपने बालों में। तो अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि यह किस तरह की शैम्पू है। तो यह जो शैम्पू है यह जेंटल डेली केयर प्रोटीन शैम्पू है और विथ चिकपी है। क्लींजिंग जेंटली मेक्स हेयर हेल्दी, इसे लगाने पर आपके बाल हेल्दी होंगे। यह प्रोटीन शैम्पू है और यहाँ पर इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। इसकी सेल्फ लाइफ है 2 years की। इसकी प्राइस है 230 rupees और इसके इंग्रेडिएंट्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं और इसके बारे में यहाँ पर लिखा है जेंटल डेली केयर प्रोटीन शैम्पू इज इनरिच्ड with the goodness of chickpea, licorice and amla which help provide necessary nourishment to hair, fortified with herbal ingredients or shampoo are effective and gentle, leaving your hair beautiful and healthy. इसे लगाने के बाद आपके बाल हेल्दी बनेंगे, ब्यूटीफुल बनेंगे और यह प्रोटीन से भरपूर है। तो ये भी लगभग इसके ही जैसा है, लेकिन ये शैम्पू बच्चा लगा सकता है, छोटे बच्चे इसे लगा सकते हैं, लेकिन इस शैम्पू को बड़े लोग ही लगा सकते हैं। इसे बड़े भी लगा सकते हैं, छोटे भी लगा सकते हैं, लेकिन इसे सिर्फ बड़े लोग ही लगा सकते हैं। और ये नो टीयर्स है, लेकिन ये नो टीयर्स बिल्कुल भी नहीं है और ये भी पाराबेन फ्री है शैम्पू और ये भी पाराबेन फ्री शैम्पू है। दोनों ही हर्बल प्रोडक्ट्स हैं तो मैं दोनों का ही यूज की हुई हूँ और दोनों ही मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बोलूंगी कि अगर मुझसे पूछा जाए कि ये ज्यादा बेटर है या फिर ये ज्यादा बेटर है, तो मैं कहूंगी कि ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसे लगाने के बाद मेरे बाल झड़ने बहुत ज्यादा ही कम हो गए हैं, बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। हालांकि मैं इसका भी यूज कर रही थी तो मेरे बाल बहुत कम झड़ रहे थे, लेकिन इसे लगाने के लगभग इसे मैं 5-6 बार जब लगाई हूं तो उसके बाद से बहुत ज्यादा फर्क मुझे नजर आया है।
तो मैं इसे प्रेफर करूंगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि मैं स्पॉन्सर वीडियो लेकर बैठी हूँ इसलिए मैं इसके बारे में कह रही हूँ। दोनों ही एक ही ब्रांड के हैं लेकिन ये वाला मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो आज के वीडियो के बारे में आप लोग की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तथा रिश्तेदारों को भी इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं फर्स्ट डे से उन्हें मेरा बहुत ज्यादा धन्यवाद कि वो लोग मेरे पर भरोसा किए हैं और मेरे चैनल पर मुझसे जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। और जितनी जल्दी हो सके मेरे चैनल को कम्युनिटी दिलवाइए ताकि मैं लाइव आ सकूं और आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस भी अपलोड कर सकूं। तो थैंक यू सो मच।